सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेल्थी इंडिया को और साथ में बेल का आइकॉन भी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के फिटनेस के बारे में। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने आज 3 साल हो गए हैं। इस दौरान न तो वो कभी बीमार पड़े हैं और न ही उन्होंने कोई छुट्टी ली है। देश विदेश की किसी यात्रा पर हो या पीएमओ के कार्य पर हो, मोदी हमेशा फिट नज़र आते हैं। 66 साल की उम्र में भी वे 16 से 18 घंटे काम करते हैं। क्या है मोदी की फिटनेस का राज? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मोदी की फिटनेस का राज क्या है। एंडी मरीनो की किताब नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के अनुसार मोदी ने बचपन में ही नमक छोड़ दिया था, फिर मिर्च छोड़ दी, इसके कुछ साल बाद तेल में बना खाना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि गर्मी के दिनों में भी वो कई बार गुनगुना पानी पीते हैं। इसके अलावा भी और कुछ अच्छी हैबिट्स है मोदी जी की, तो चलिए उसकी बारे में भी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी रात में कितनी भी देर से सोए, सुबह वो 4 से 5 बजे उठकर योग करना नहीं भूलते। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और योगासन उनकी एनर्जी और फिटनेस का मूल मंत्र है। काफ़ी सालों से मोदी के डेली रूटीन में वॉक करना शामिल है। अपने आवास पर वे थोड़ा समय टहलने के लिए निकाल ही लेते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। डीप ब्रेथिंग, मोदी दिन में कई बार डीप ब्रेथिंग करते रहते हैं, इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। मोदी सुबह पोहा, खाखरा, भाखरी और अदरक वाली गुजराती चाय जैसा हल्का और हेल्दी नाश्ता करते हैं, इससे उन्हें दिन भर के लिए एनर्जी मिलती रहती है। मोदी जी प्योर वेजिटेरियन है, खाने में वे फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ सादा गुजराती या साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं, इससे उनको हैवीनेस नहीं आती है। मोदी कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाते, बल्कि बीच बीच में फ्रूट्स या हल्का स्नैक्स लेते रहते हैं, जिससे नींद और थकान से बचाव होता है। नरेंद्र मोदी की एनर्जी का एक राज गुनगुना पानी भी है, जिसे वे दिन भर पीते रहते हैं। लगातार यात्रा के दौरान इससे उन्हें एनर्जी मिलती रहती है। नरेंद्र मोदी नवरात्रि के दिनों में 9 दिन और उसके अलावा भी उपवास करते हैं और सिर्फ नींबू पानी पर रहते हैं, इससे बॉडी डिटॉक्स होती है, जिससे एनर्जी का लेवल बना रहता है। नरेंद्र मोदी रेगुलर मेडिटेशन भी करते हैं, इससे उनका तनाव, स्ट्रेस और मानसिक थकान दूर होती है और एनर्जी बनी रहती है। नरेंद्र मोदी 24 घंटे में महज 3 से 4 घंटे ही सोते हैं, लेकिन उन्हें बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है और उठने पर वे फ्रेश महसूस करते हैं। नशे से दूरी, जी हां दोस्तों, मोदी ना तो स्मोकिंग करते हैं और न ही शराब पीते हैं। उनकी सेहत और फिटनेस के पीछे ये भी खास वजह है। और मोदी का अध्यात्म से काफ़ी लगाव है, इससे जुड़ी किताबों पढ़ने में उन्हें मानसिक रूप से फिट रहने में भी मदद मिलती है। आमतौर पर देखा जाए तो मोदी जब भी फ्री रहते हैं तब वो अध्यात्म से जुड़े किताबें पढ़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो नरेंद्र मोदी जी के फिटनेस के बारे में। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।